that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad in it. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन होंगे क्योंकि ये दिन प्रभु का है. This is the day that has been made by the Lord. आज का दिन प्रभु ने बनाया है. आप सबको मैं स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी खुश होना शुरू करिए, आप भी खुशी मनाइए क्योंकि हमारा परमेश्वर अभी भी जीवित है. I would like to greet you and also would like to welcome you and tell you start rejoicing because our God is alive. He is not dead. And your life, your ministry, your family is not made by man. It's made by God. हमारी जिंदगी, हमारी सेवकाइयां और हमारा परिवार लोगों से बनाया नहीं गया है, प्रभु ने बनाया है. आज की सुबह मैं आप लोगों को एक बात कहकर मैं प्रभु के वचन के जरिए से एनकरेज करना चाहता हूं. प्रभु का वचन कहता है दैट इन सारे वस्तुओं में, इन सारे चीजों को वो मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा. आई वुड लाइक टू एनकरेज यू दिस मॉर्निंग बाय ए वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड सेज इन ऑल दीस थिंग्स गॉड विल टर्न इट इनटू गुड फॉर पीपल दोस हु लव हिम. दैट इज द सीक्रेट. यही वो सीक्रेट बात है कि दोस हु लव हिम, जो उससे प्रेम रखता है. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? I would like to ask you this question. Do you love God? Do you really love God? Jesus asked Peter 3 times in John chapter 21. He asked, Peter, do you love me? And again he goes on and said, do you really love me? And again he said, do you really love me? 3 times Peter is replying, Jesus, yes, Lord, you know that I love you. You know that I love you. You know that I love you. Peter knew that even Jesus knows he loves him. This morning we might be telling God, yes, Lord, I love you, but are you sure that God knows that you love him? हम भी प्रभु से कहते होंगे, हाँ प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू तो जानता है. लेकिन सोचने की बात है, क्या जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, प्रभु जानता है ना? हम तो कह सकते हैं कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, लेकिन वो भी जानता है. बोलिए, वो जानता है. He knows. Whether we are saying it out of just our mouth or just for the sake of saying, क्या हम ऐसे ही बोल देते हैं सिर्फ अपनी जुबान से? He knows your everything. वो हमारी हर बात को जानता है, हमारी मुश्किलों को, हमारी कठिनाइयों को, हमारे दुखों को वो जानता है. He knows our challenges, he knows our difficulties, he knows our pains. Even he knows why we should be worried about. अब जब वो जानता है तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब वो जानता है, वो हमारे परेशानियों का हल भी जानता है. When he knows about our problem, he knows also about our solution. वो ये COVID-19 के बारे में वो जानता है कब आया है और कब जाने वाला है. God knows when this COVID-19 came and also he knows when it is going to stop affecting people. उसको पता है, वो सब कुछ जानता है. He knows everything. He knows about it. When he knows, the one who knows and he is with us and he knows us, he loves us, why then we should be worried? अगर वो जानता है सब बातों का हाल और हमें भी वो जानता है, तो हमें फिकर करने का क्या जरूरत है? That's what I'm saying. Start rejoicing in the Lord. Apostle Paul, when he was in the prison, his hands and his legs were chained and he says, rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. जब संत पौलुस जेल के अंदर था, उसका हाथ और उसके हाथ और उसके पैर बंधे गए थे और वो लिख रहा है, आनंदित रहो. दोबारा कहता हूं, आनंदित रहो. What made him say that? क्या उसको क्या उकसाया इस बात को बताने के लिए? क्योंकि उसको पता था कि उसको बुलाने वाला परमेश्वर, उसको चुना हुआ परमेश्वर उसको किसी भी हालत में छोड़ नहीं देगा. Because Apostle Paul knew that his God who has called him, God who has chosen him, will not leave him alone at any moment. Can we also have that conviction in our hearts this morning? क्या हम भी ये दृढ़ विश्वास आज हमारे जीवन में करें? मैं आपको बोल रहा था कि हमारी परिस्थिति जो है हमारा परिभाषा नहीं दे सकता है. Our situation doesn't define who we are.
Our situation don't define who we are. हमारे परिस्थिति ये नहीं बताता कि हम कौन हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हम कौन हैं. But our God defines who we are. God wants us to thrive by finding Him in our challenges. प्रभु चाहता है कि इस मुश्किल की घड़ी में भी हम खड़े उतरे. जितना ज्यादा टफ होता है मैच, उतना ही अच्छा होता है रिवॉर्ड. The tougher the matches would be, the tougher the game would be, the greater the rewards would be. And not only that, that He will never leave us alone. उतना ही नहीं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है. हमारी लड़ाई वो लड़ता है और वो हमें जरूर जीता कर ही छोड़ता है. वो हमें कभी हारने नहीं देगा. He fights our battle, and when He fights our battle, He will not leave you to be defeated. He will make sure that you will win it. You remember whether it's Abraham or it is David or it is Solomon or it is Elijah or it's Elisha, whoever it is, God fought their battle. Jehoshaphat, remember King Jehoshaphat, God fought their battle and they won. आप बाइबल में देखिए, दाऊद को देखिए, अब्राहम को देखिए, एलिया को देखिए, एलिशा को देखिए, या जहोशाफत को देखिए, किसी को भी देखिए, प्रभु उनकी लड़ाई लड़ा और उन्होंने जीता. आज हम भी इस COVID-19 के समय, COVID-19 भी है, उसके साथ साथ इमोशनली बहुत सारे बातों को हम लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई प्रभु लड़ रहा है. इवन दो वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर रेसलिंग विद दिस COVID-19 एंड ऑल अदर इमोशनल एनिमीज, बट वी विल विन बिकॉज गॉड इज फाइटिंग ऑन आवर बैटल. लेट मी टेल यू समथिंग, रिजॉइस विद मी, मेरे साथ आज आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमारा बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं. Rejoice with me because our best days are ahead. Probably we had good days in the past. Probably we have good memories. But let me tell you, dear friends, our best days are still ahead. शायद हमारे पास अच्छी स्मृति होगी, हमारे अच्छे इतिहास होगा, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, आगे हैं, आने वाले हैं. आप उसको देखने वाले हैं. अभी धीरज मत छोड़ देना, अभी ढांढस बांध के रहना, अभी हौसला नहीं छोड़ देना. डोंट बी डिस्करेज, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट लीव योर करेज, मूव फर्दर, बिकॉज ही हु हैज कॉल्ड अस इज फेथफुल. क्योंकि उसने जो हमें चुना है, जिसने हमें बुलाया है, वो वफादार है. ही इज फेथफुल, इज लविंग. वो वफादार है, वो हमसे प्रेम करता है. हमें वो बन के रहना चाहिए जो प्रभु ने हमें बनाया है. दाऊद को जब सामुएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक किया राजा बनने के लिए, 13 साल तक कुछ भी नहीं हुआ. When King David was anointed by prophet Samuel, for 13 years nothing happened but struggles. He went through struggles after struggles. दाऊद को मसा करने के बाद वो कई तरह की मुश्किल को सामना किया 13 साल तक. आपको पता है यूसुफ के बारे में, वो भी तकरीबन 21 साल तक उसने सब इंतजार किया. जोसेफ प्रॉब्ली हैड वेटेड अप टू 21 or 22 years, बट गॉड डिड नॉट लीव देम. लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा. बोलिए, परमेश्वर हमारी ओर है, प्रभु हमारी ओर है. जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? वही रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय उसके 31 आयत में लिखा गया है. ना COVID-19, ना शटडाउन, ना बिजनेस का प्रॉब्लम, कुछ भी हमारे खिलाफ होकर जीत नहीं पाएंगे. नो COVID-19, नो प्रॉब्लम, नो बिजनेस शटडाउन, नथिंग विल स्टैंड अगेंस्ट एंड विन against you, because God is on our side. This is not the time to survive, this is the time to thrive. ये समय सिर्फ जीने की कोशिश करने का समय नहीं है, लेकिन ये समय जो है और ऊंचा उठने का समय है. क्योंकि जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवनों में मुश्किलें आई है, वो सिर्फ उनके जीवन में नए रास्ते को खोलने के लिए आया है. Because whenever challenges came in the lives of God's people, all those times those came for the betterment of them. Remember when the Red Sea came for the Israelites, it came for them to see a miracle. जब लाल समुद्र इसराइलियों के सामने आया, वो इसलिए आया ताकि उनको मारे, इसलिए नहीं, लेकिन उनके लिए चमत्कार को दिखाए. People of Israel, they were not able to see only the waves in the midst of the sea. They didn't only experience the miracle of God parting the Red Sea, but also they saw their enemies dying in front of their own eyes.
हालेलुया। गॉड प्रभु यीशु मसीह इसराइल के लोग के लिए सिर्फ जो है लाल समुद्र का रास्ता खोलने के लिए ही नहीं किया, लेकिन उनके आंखों के सामने ही उनको उनके दुश्मनों को मरते हुए देखा। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम एनकरेजिंग यू टुडे, स्टार्ट रिजोसिंग, गॉड इज डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर यू। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप खुशी मनाइए क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। Father, I pray for every single one who are watching right now. Lord, encourage them, strengthen them, bless them, O Lord Jesus, that they will not be discouraged, but they will start rejoicing because you are fighting a battle and you are bringing best days ahead for us. Prabhu ji, main dua karta hu ek jan ke liye, kisi ko bhi nirash hone ke liye, mayus hone ke liye nahi dena, kyunki tu hamari ladai lad raha hai aur hamare liye acche din aa rahe hain. Prabhu ji, hum sare logo ko, hum hamare dino ko, hamare parivar ko, hamare baaton ko tere haath mein saunpte hain. Jo aaj nirash hai unko tu aasha de de. Prabhu ji, Lord, we pray that who are discouraged right now, give them your courage, give them your peace, give them your wisdom, Lord Jesus. Strengthen them right now. Lord, heal them those who are sick. Bring joy and unity in their families. And whatever the circumstances they are struggling right now, let them overcome. Let them thrive. प्रभु जी, जो भी आज बीमार है उनको छूको तो चंगा आकर, परिवार में जिनके शांति नहीं है और एकता नहीं है वहां पे तो लेकर आ प्रभु जी, आज सिर्फ जीने के लिए को कसमकस करने के लिए नहीं लेकिन जयवंत होने के लिए तू मदद कर। लॉर्ड गिव अस अ ग्रेट एंड वी प्रे दैट हील आवर लैंड, हील आवर नेशन, लॉर्ड जीसस, मे द होल वर्ल्ड विल कम आउट ऑफ दिस कोविड-19। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं तो हमारे देश को, हमारे दुनिया को तो चंगा कर, और हम बहुत ही जल्द इस कोविड-19 के प्रभाव से हम उभरेंगे, हम जिएंगे, हम बाहर आएंगे। प्रभु जी, वी विल थ्राइव अगेन एंड वी विल कम आउट बेटर, बिगर, ग्रेटर इन द डेज टू कम। प्रभु जी, इन सारे बातों में तेरे नाम को महिमा मिले। हम तेरी हुजूर में अपने आप को, तेरे हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमेन। अगर परमेश्वर आपको ब्लेस किया है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आई लाइक टू एनकरेज यू टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन विल बी ब्लेस्ड एंड विल बी एनकरेज्ड। गॉड ब्लेस यू टिल वी सी ईच अदर। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जब तक दोबारा ना मिले तब तक सेफ रहे और ब्लेस रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऊपर करते। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। आमेन।